सही है तो सही, फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। गाइस गाइस मम्मी पापा चाची और अम्मा फर्स्ट टाइम आए हैं। खुली गाड़ी का मजा ही कुछ और है ना, है ना? खुली गाड़ी जिप्सी का, जिप्सी का मजा है। 252 टाइगर है, पता है? तो गाइस दो एलिफेंट दिखे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह से मस्त नहा धो के रेडी हो गए हैं, बाहर धूप में आ गए हैं। अब बारी है ओरियो को नहलाने की, और सबसे मुश्किल काम है ओरियो को नहलाना, बिकॉज़ जैसे भागता है ना छटपट आता है। सर तो मैं पहली बार ओरियो को नहला रहा हूं। ओरियो क्या हुआ, ये देखो कैसे लग रहा है। सर तो ओरियो लग नहीं रहा, नॉर्मल लग रहा है। मैं इसकी पूंछ साफ कर लूंगा, कितनी पतली पूंछ होगी इसकी। अरे यार एक ही बार में सब पानी खत्म हो जाएगा ना, हिसाब से डालना पड़ता है वो। अब क्यों डाल रहे हैं देख ले भाई, ओरियो लगता ही नहाते हुए ओरियो लगता ही नहीं है ये। खुद ही पहुंच लेगा। पागल हो गया। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, कढ़ी चावल हरी सब्जी, उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने के लिए, आज प्लान है। गाइस ओरियो नहाने के बाद मस्त बैठ गया यहाँ पे सोफे पे, देखो अभी यहीं बैठा रहेगा, सोता रहेगा, बिकॉज़ नहाने के बाद तो थक जाता है ये। ओलू प्यारा सा ओलू। और आज तक कुनाली ने नहलाया। तो गाइस आज मम्मी को लेके जाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम जंगल सफारी में रामनगर। मम्मी को ना जंगल सफारी से बहुत डर लगता है, बट मैंने फाइनली मम्मी को मना लिया है, तो मम्मी भी जाएगी, चाची भी, अम्मा, फर्स्ट टाइम तीनों, तो मजा आने वाला है। मम्मी का रिएक्शन देखना। मम्मी फुल ऑफ रोडिंग होती है, खुली जिप्सी होती है, वहाँ सारे जंगली जानवर होते हैं, टाइगर भी होता है, एलिफेंट भी होता है। डर नहीं लगती, एक एडवेंचर सा लगता है, क्योंकि कोई भी जानवर दिख सकता है ना, बट हमको आज तक कभी टाइगर नहीं दिखा, तो होपफुली क्या पता आज दिख जाए। मम्मी जा रही है साथ में, चले जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते हैं। चलोगे? जय माता रानी। चलो भाई गाड़ी रेडी है, हम जा रहे हैं फॉर्चुनर में। चाची कुनाली को रेडी कर रही है, मम्मी अम्मा को रेडी कर रही है, मतलब घर में सबसे छोटा और सबसे बड़ों को सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। नहाने के बाद देखो कितना मस्त लग रहा है, एकदम वाइट। अम्मा आओ, क्या हुआ, क्या हुआ? वास आती है ना, शीशा खोल के बैठ जाना। ठीक है शीशा खोल देना। चलो आओ फिर देर तक। हाँ पूरे टाइम शीशा खोले के रखेंगे, ठीक है? नानी क्या हुआ? नानी बात आ लिया, कट खोल दिया। लेट्स गो। तो गाइस पहुंच गया लोकेशन पे, गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया है, और ये रही हमारी जिप्सी, तो सभी इसी में जाएंगे। अम्मा के बैठने के लिए देखो यहाँ से चढ़ के बैठना पड़ रहा है। सही है तो सही, फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। गाइस गाइस मम्मी पापा चाची और अम्मा फर्स्ट टाइम आए हैं, इवन कुनाली फर्स्ट टाइम आया। चलो भाई सभी बैठ गए, मैं बैठूंगा यहाँ पे। मम्मी जी एक्साइटेड कुनाली पकड़ के रखना भाई, आराम से चलाना, ठीक है? तो अभी गेट पे पहुंच गए, एंटर कर रहे हैं अंदर। मेरा नाम तरुण चिमोल है। गाइस इन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे है सबको ले जाने की। खुली गाड़ी का मजा ही कुछ और है ना, है ना? खुली गाड़ी जिप्सी का, जिप्सी का मजा है। यहाँ पता है कितने टाइगर है? 252 टाइगर है, पता है? और हिरन पता है कितने हैं? 50,000 हिरन। अभी देखना इतने हिरन दिखेंगे, इतने हिरन दिखेंगे ना। और एलिफेंट कितने हैं? एलिफेंट यहाँ पे 1300 प्लस है, 1300 प्लस। अगर अम्मा की किस्मत अच्छी हुई, अम्मा पहली बार आई है, हमारी सबकी, हाँ अगर तुम्हारी सबकी किस्मत अच्छी हुई तो टाइगर दिख जाएगा। भाई मैं तो बहुत बार आया, मुझे तो आज तक दिखा नहीं, अभी तक दूर से दिखा था एक बार, बिल्कुल दूर से। रोड नहीं होती यहाँ, जंगल में रोड थोड़ी ना होती है, ऐसे ही पूरा ऑफ रोडिंग का रास्ता होगा, पूरा ऑफ रोडिंग का। ये रियल वाला जंगल है, डेंस जंगल, जहाँ सारे जानवर रहते हैं। अम्मा यहाँ लकड़ी काटने नहीं जा सकते, यहाँ नीचे उतरना भी अलाउड नहीं है कुनाली। पहली रिवर क्रॉसिंग हमारी। दो एलिफेंट दिखे, बट ये फॉरेस्ट के हैं, देखो यहाँ पे लोग हैं ना। अभी हम पहुंच गए हैं गेस्ट हाउस में जंगल के अंदर। तो अभी गाइस हम चलते आ रहे जंगल में, बस अभी तक तो हीरे नहीं दिखे हैं, टाइगर के नाखून के निशान। कुछ दिख नहीं रहा। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? टाइगर। ये बोर हो रहा है, मिलने के चांसेस बहुत कम है। आएगा तो देखेंगे हम, कितनी बड़ी नदी है। पत्थर देख रहे हैं। चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से, थोड़ी देर यहाँ वेट किया। तो अभी गाइस 5 बज चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है, 6 बजे हमको बाहर निकलना है, तो देखते हैं अब 1 घंटे में कुछ दिखता है तो। तो
गाइस टाइम हो चुका है, जा रहे हैं जंगल से बाहर वापस, 6 बजने वाले हैं। कोई बात नहीं अम्मा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। पूरे 6 बज चुके हैं, देखो आज की सफारी अच्छी रही, अच्छी रही अम्मा। पहुंच गए पार्किंग में, ये खड़ी अपनी गाड़ी, कूदोगे सच्ची है? तो गाइस घर पहुंच गए, आज तो पूरा दिन वहीं निकल गया, और टाइगर भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा भाई। टाइगर था क्या? नहीं था। क्यों नहीं दिखा टाइगर? टाइगर तो घर में रह गया। शेर सोना 10 किलो लोहा और 10 किलो समोसा। समोसा में कौन ज्यादा? क्या भारी होता है? हाँ। ये तो नॉर्मल चीज है यार, बताओ ना। भारी क्या हो, आप खुद ही बताओ। आप बताओ ना। नहीं इन दोनों से भारी नहीं, तो नॉर्मल चीज है। समोसा भारी है, लोहा भारी है? आप बताओ। आप बताओ, समोसा भारी है, लोहा भारी है? आप कॉमन सेंस है, क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं। अम्मा आप बताओ, समोसा भारी है, लोहा भारी है? लोहा भारी। लोहा भारी है? हां हैं। आप बताओ, समोसा भारी है, लोहा भारी है? समोसा। क्यों? समोसा, समोसे के साथ चटनी भी तो आती है। अम्मा क्या गलत बोल दिया आपने? कोई बात नहीं, चलो मम्मी से पूछते हैं कि 10 किलो लोहा या फिर 10 किलो समोसे में से क्या भारी होगा? वैसे तो लोहा ठहरा, फिर लोहा ना, लोहा भारी होता है? है? नहीं, नहीं। लोहा भारी होता है? दोनों 10 किलो हैं, होंगे तो सेम ही। ना 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 ना, लोहा भी 10 किलो है, समोसे भी 10 किलो है, सेम ही तो होंगे। उसके साथ चटनी भारी होगी, भारी क्यों होंगे? चटनी थोड़ी ना के बाद आता है, चटनी की बताए सेम नहीं होंगे बात। मैं पूछ रहा हूँ 10 किलो सेम होंगे? सेम होंगे भाई, सेम होंगे, सेम नहीं होंगे अम्मी, सेम नहीं होंगे। आप लोहा की बोला आपने, लोहा की बोला आपने। अब खाना खिला दो यार, क्या बना है? सुबह के चावल पड़े हैं, चलो मस्त सुबह वाले कड़ी चावल खाएंगे। तो अपना डिनर आ गया, कड़ी चावल हरी सब्जी खाते हैं मस्त। तो डिनर हो चुका है, अब मैं करूंगा एडिटिंग। बाय द वे आज जंगल सफारी गए थे, किसी को कुछ नहीं दिखा, पहली बार पूरी फैमिली गई थी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हम पूरे 3 घंटे जंगल के अंदर थे, 3 घंटे हम घूमते रहे पूरा एरिया सब जगह, बस हिरन दिखे, उसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं। बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो अभी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी ड्राइंग जो मैं शिव जी के बना रहा था ना। चलो 2-3 घंटे इसको बनाएंगे, फिर सोऊंगा मैं। गाइस मेरे को ना ये टेबल बहुत छोटा पड़ रहा है, ये देखो मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहे वहां तक ना, पेपर मुड़ रहा है, यहाँ से पीछे करूंगा तो यहाँ से मुड़ जाएगा। तो मैंने एक बड़ा सा बोर्ड मंगवाया है, तो वो आएगा 5-10 दिन में, उसके बाद मस्त काम कर पाऊंगा मैं। पहले शिव जी के हाथ ही बना लेता हूँ, ये वाले देखो। तो अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और ड्राइंग कुछ इतनी हो गई है। मैंने ये शेर बना लिया थोड़ा सा, देखो शेर ना, जो ये शिव जी के नीचे शेर है ना, ये थोड़ा सा बनाया, बाकी हैंड बना ली दोनों, देखो अभी पूरी बॉडी बाकी है। अब फिलहाल मैं सारा सामान उठाता हूँ यहाँ से और सोता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आप बताओ क्या? मैं क्या बताऊँ, समोसा भारी है, जलेबी भारी? समोसा। क्यों? जलेबी की चाशनी भी तो होती है। Tell you what it's all